हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन पर 600 शब्द सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति थे जो दो कार्यकाल तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति और उसके बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। वो एक अच्छे शिक्षक, दर्शन शास्त्री और लेखक भी थे। विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को भारत में हर वर्ष उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। इनका जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को मद्रास के तिरुतनी में हुआ था। घर की माली हालत के चलते इन्होंने अपनी शिक्षा छात्रवृत्ति की सहायता से पूरी की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोवर्धन स्कूल, तिरुवेलूर लूथरिन मिशनरी स्कूल, तिरुपति वुरहिस कॉलेज, वेल्लोर और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। उन्हें दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी, इसलिए इन्होंने अपनी B.A. और M.A. की डिग्री दर्शन शास्त्र में ली। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में M.A. की डिग्री पूरी करने के बाद 1909 में सहायक लेक्चरर के रूप में इनको रखा गया। हिंदू दर्शन शास्त्र के क्लासिक्स की विशेषज्ञता इनके पास थी, जैसे उपनिषद, भगवद गीता, शंकर, माधव, रामानुजा आदि। पश्चिमी विचारकों के दर्शन शास्त्रों के साथ ही साथ बुद्धिस्ट और जैन दर्शन शास्त्र के भी ये अच्छे जानकार थे। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और जल्द ही 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के लिए नामित हुए। हिंदू दर्शन शास्त्र पर लेक्चर देने के लिए बाद में इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने कड़े प्रयासों के द्वारा दुनिया के मानचित्रों पर भारतीय दर्शन शास्त्र को रखने में सक्षम हुए। बाद में 1939 में ये आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में चुने गए। इनको 1946 में यूनेस्को, 1949 में सोवियत यूनियन के एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल तक देश की सेवा करने के बाद 1962 में भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया और 1967 में सेवानिवृत्त हुए। वर्षों तक देश को अपनी महान सेवा देने के बाद 17 अप्रैल 1975 को इनका देहांत हो गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1975 में टेम्पलेटन पुरस्कार, लेकिन इन्होंने इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान कर दिया। 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार आदि भी जीता। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1989 में यूनिवर्सिटी ने राधाकृष्णन छात्रवृत्ति की शुरुआत की, जिसे बाद में राधाकृष्णन चिवनिंग स्कॉलरशिप्स का नाम दिया गया। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय एंड टेक केयर।